नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। तो बताइए कैसे हैं आप सब। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। तो आइए शेयर करती हूँ आज की रेसिपी। मैं आज बनाने वाली हूँ चने की दाल और नेनुआ की सब्जी। चलिए बनाती हूँ आज की रेसिपी। सब्जी बनाने के लिए मैंने 4 तेजपात ली हूँ, 7-8 कलियाँ लहसुन के ली हूँ, इसको छील ली हूँ, छील के छोटे छोटे टुकड़े में मैंने काट ली हूँ, 6 मिर्चा है हरा मिर्चा, इसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट ली हूँ, 2 मीडियम साइज का प्याज है, इसको भी मैं छोटे छोटे टुकड़े में काट ली हूँ। मैंने गैस पर कुकर रखी हूँ, हाई फ्लेम पर है। मैंने इसमें आधा कटोरी तेल, छोटा कटोरी है, इसमें आधा कटोरी तेल है मैंने डाल दी हूँ। सरसों का तेल है, जो मैंने तेज़पात ली थी वो तेज़पात मैंने तेल में डाल दी हूँ। जो लहसुन छोटे छोटे टुकड़े में मैंने काटी थी उसको भी मैं डाल दे रही हूँ। और 1/2 चम्मच जीरा है, इसको भी मैं डाली हूँ। 6 मिर्चा जो मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काटी थी उसको भी मैं डाल दे रही हूँ, देख सकते हैं। और 2 मीडियम साइज का प्याज जो मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काटी थी उसको भी मैं अब इसमें डालूँगी, देख सकते हैं आप। मैं प्याज को भी डाल रही हूँ। मेरा गैस का फ्लेम हाई है, अब इसको मैं चलाते हुए इसको 1 मिनट के लिए मैं भून लूँगी कि जब तक ले मेरा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए प्याज लहसुन और मिर्चा। और मैंने 100 ग्राम चने की दाल ली थी, इसको रात में पानी में भिगो के रख दी थी और सुबह में इसको साफ पानी से धो ली हूँ और छान ली हूँ। 1 किलो मैंने नेनुआ ली हूँ, इसको छिलका हटा के छोटे छोटे पीस में मैंने काट दी हूँ, देख सकते हैं आप। मेरा लहसुन देख रहे हैं, इसको चलाते हुए मैं भून ले रही हूँ। लहसुन प्याज और मिर्चा जो भी है इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। गैस का फ्लेम हाई है, इसको देख सकते हैं। और जो मैंने चने की दाल रात में भिगो कर रखी थी आपसे दिखाए भी हैं उसको मैंने डाल दी हूँ, और इसको चलाते हुए भून लूँगी 1 मिनट के लिए। इसको भूनूँगी थोड़ा सा, मतलब इसका कलर चेंज हो जाएगा। गैस का फ्लेम हाई है, इसको चलाते हुए भून लूँगी। उसके बाद से मैंने इसमें जो मैंने इसको कलर चेंज हो चुका है, जो मैंने नेनुआ काट के रखी थी उसको मैं डाल दे रही हूँ इसमें। इसको चलाते हुए मैं मिला लूँगी चने की दाल और प्याज लहसुन जो भी है सब एक में मिल जाए। उसके बाद मैंने 1 चम्मच, छोटा चम्मच है, मैं नमक डाल रही हूँ, और 1/4 चम्मच मैं हल्दी डालूँगी, और 1/4 चम्मच जो मैंने पीस के घर पे मसाला रखी हूँ उसी मसाला को डाल रही हूँ, 1/2 कटोरी पानी, और सभी को मिलाते हुए चला लेंगे। बढ़िया तरीके से मिला लेना है इसको, और मिला के उसके बाद से मैंने ढक्कन इस पे लगाऊंगी।
और मेरा सिटी दो को देगा, एक सिटी तो मेरा दे चुका है कुकर का, और एक सिटी और देगा तो मैं गैस ऑफ कर दूंगी। देख सकते हैं मैं गैस ऑफ कर दी हूँ और प्रेशर निकाल ले रही हूँ कुकर का। जब प्रेशर निकल जाएगा तो इसको ढक्कन हटा के मैं देखूँगी सब्जी ये कैसे हुआ है। अब मेरा सिटी देख रहे हैं प्रेशर छूट गया। अब मैं ढक्कन निकाल ले रही हूँ। अब इसको चलाते हुए मैं देखूँगी, देखिए इसमें सब गल चुका है, चने के दाल और नेनुआ और थोड़ा सा पानी है इसमें। तो मैंने गैस ऑन करूँगी, अब मेरा गैस का फ्लेम हाई रहेगा और इसको मैं चलाते हुए इसको भूनूंगी। इसको चलाते हुए भूनना है इसको कि पानी है थोड़ा सूख जाए। देख सकते हैं पानी सूख मेरा सूख रहा है। अब इसको धीरे धीरे क्रॉस करते हुए इसको मैं चला लूँगी। देख सकते हैं आप पानी धीरे धीरे सूख रहा है क्योंकि गैस का फ्लेम हाई है और सब्जी हो चुका है। थोड़ा सा मैं इसको मैं चला लूँगी एक मिनट के लिए। देख सकते हैं सारी पानी सूख चुका है और सब्जी हो चुका है। अब इसको मैं निकाल ली हूँ। देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना परफेक्ट सब्जी हुआ है।